हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। विक्की अभी आएगा, ज्वाइन करेगा, वो अभी हमारे बेबी को संभाल रहा है। फेस रिवील ब्लॉग होने वाला है, साथ ही साथ हम जेंडर भी रिवील कर ही देंगे, बिकॉज फेस देख के आपको जेंडर समझ में आ ही जाना है। पहले मैं सोच रही थी फेस रिवील अलग करेंगे, जेंडर अलग करेंगे, नेम अलग करेंगे, बट ठीक है, सब कुछ मैं एक ही वीडियो में डाल देती हूँ। लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने बहुत ही लंबा छुपा लिया है भाई, अब तो बता दो, कुछ चीज़ें आराम से हो जाए। मतलब आपने जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है प्रेगनेंसी का, 1 सितंबर, उस टाइम मेरा 9th मंथ चल रहा था, और मेरा जब डिलीवरी हो गया उसके बाद मैंने बाकी के प्रेगनेंसी वीडियोस डाले। इवन जो सेकंड प्रेगनेंसी वीडियो था वो तब था जब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी आराम से। इसके पहले आपने सुन ही लिया होगा कब हमारा बच्चा आया है हमारे पास, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। सो आज के वीडियो में फेस दिखाएंगे ऑब्वियसली, और उसका नाम बताने वाले हैं। हम लोगों का एक कंबाइंड डिसीजन था कि 40 डेज बाद हम इसका डायरेक्टली फेस भी दिखा देंगे, नाम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, और 40 डेज के बाद मैं थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दूंगी। आई वॉज टेकिंग एकदम प्रॉपर रेस्ट, मतलब फुल ऑन मैंने रेस्ट लिया है, और अभी भी मैं रेस्ट ही लूंगी 3 मंथ्स तक। मैं बिल्कुल कम काम करूंगी, वेट वगैरह नहीं उठाने वाली हूँ। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आप एक्टिव हो सकते हो, बट मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी थोड़ी इनएक्टिव रहूँ। भी अगर अच्छे से टेक केयर कर लिया ना, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऐसा मेरा मानना है। और जिन लोगों को लग रहा होगा मेरे को देख करके कि अरे ये तो बहुत सही लग रही है, फ्रेश लग रही है, अंडरस्टैंड, आप बहुत वैसा लग रहे होते हैं, बिल्कुल डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपकी नींद नहीं पूरी होती है, आप अच्छे से ग्रूम्ड अप नहीं होते, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता है किसी चीज़ का। मैं सिर्फ आज ऐसी लग रही हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा प्रॉपरली सोई हूँ, अदरवाइज आप मुझे 2-3 दिन पहले भी देखते ना तो आप बोलते कि भाई क्या हालत बना के रखी है अपनी, इस तरह से मेरी हालत थी। सो इट्स ओके टू फील लाइक दैट, सबके साथ होता है, क्योंकि सबके हॉर्मोन्स इस तरीके के हो जाते हैं। तो अगर आप इस फेज में हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऐसे लग रहे हैं, ये इतनी ऐसी क्यों लग रही, तो ऐसा मत सोचना, ये सिर्फ वीडियो के सामने आई हूँ मैं, इसलिए अच्छे से थोड़ी तैयार हुई और रोकर के आई हूँ। एंड अदरवाइज मैं भी घर में ऐसे ही रहती हूँ। अभी जब रेगुलर व्लॉग्स आने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लगता है। अब जा करके मुझे थोड़ा चीज़ें समझ में आई हैं, उसका शेड्यूल रूटीन तो नहीं बोलूँगी, बट नाउ आई एम यूज टू इट कि हाँ ठीक है, इतनी ही नींद पूरी होनी है, इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं 8 से 9 घंटे सोने वाली लड़की हूँ जिसको नींद नहीं मिल रही थी। तो अब मुझे ये, मतलब मेरी बॉडी भी यूज टू हो गई है कि येस दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ, और अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, अब ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी अब मैं आप लोगों को विक्की को बुलाती हूँ और उससे पूछते हैं कि उसका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक्चुअली विक्की भी बहुत सपोर्टिव रहा है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जो हम चिढ़ रहे होते हैं ना, मैं बोल रही थी अरे जल्दी से डिलीवरी हो जाए यार, अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी से डिलीवरी हो जाए, असली जो रोल स्टार्ट होता है वो आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होता है। फुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा, टीनू सैम आ गए थे तो क्योंकि वो लोग थे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी, मैनेज हो गई थी आराम से, आना जाना सब चीज़, मेरी मासी आ गई थी। ओके, तो अब मैं विक्की को बुलाती हूँ और हम लोग बताएंगे हमारा जो आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस है, बच्चा आने के बाद एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा है। हेलो, बेबी मेरे पास ट्रांसफर हो गया इसलिए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सही मायने में तो गणपति जी हमारे घर में एक प्यारा सा लड्डू छोड़ गए। 19th हुई है, आराम से पूजा करी अपने घरों में दोनों, क्या हाँ। है ना, स्थापना करी और हम निकले, और सिर्फ इसलिए निकले कि तो 10 मिनट में आ जाएंगे वापस से घर पे। कद्दू बुलाता हूँ, ये लड्डू बुलाती है, घर पे कुछ और अलग अलग हाँ, नाम है इसके, जैसे नॉर्मल ये सभी लोग सभी घरों में होता है ना, वैसा ही हमारे यहाँ पर भी अभी चल रहा है। वो हमने बर्थ सर्टिफिकेट में बनवा दिया है, टेम्पररी, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि वो परमानेंट भी है, हो सकता है टेम्पररी भी हो सकता है, मतलब वो मुझे अच्छा लग रहा था नाम, इसलिए हमने रखा है। और आप लोग सजेशंस देना, क्योंकि आप किसी के हो सकता है दिमाग में बहुत अच्छा कोई नाम हो ब्यूटीफुल सा, और अगर हम दोनों के नाम से रिलेटेड हो, जैसे वी से हो, आर से हो, कुछ भगवान का उसका मीनिंग आता हो, बहुत सुंदर सा कोई नाम हो, तो आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हो, बिकॉज अभी इसका आधार कार्ड नहीं बना है। जब तक आधार नहीं बनता तब तक वी आर फ्री टू बस एक उसका नाम चेंज करवाना है, वो करवा सकते हैं हम लोग। तो आप लोग बिल्कुल सजेशंस दीजिएगा अच्छे अच्छे नाम के। तो अच्छा, तो बेबी आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हमारे को ऑफिस वर्क से कम्प्लीटली छुट्टी मिल चुकी है फिलहाल। विक्की राइट नाउ इज ऑन पैटर्निटी लीव, वो अपनी पैटर्निटी लीव फुल ऑन एंजॉय कर रहा है, फादर ड्यूटी निभा रहा है, निभा रहे हैं सभी यार, घर पे ये मदर्स ड्यूटी निभा रही है, मैं फादर्स ड्यूटी निभा रहा हूँ,
दादी दादी की दादा दादी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, नानी नाना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बुआ भूपा जी अपनी निभा के गए गए एंजॉय करने चले गए, वो गोवा निकल गए, वो इतने थक गए थे कि वो गोवा निकल गए। चाटे हमने इसको डाइपर नहीं पहनाया है इनिशियली, तो बिल्कुल नहीं पहनाया है। जब हम घर आ गए हमको ये समझ में आया कि ये रात में क्या होता है, बार बार यूरिन करती है, तब हमने डाइपर पहनाना स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ रात रात में। तो अब मौसम थोड़ा ठंडा होगा तब हम पिलाएंगे दिन में भी, पर हमारे घर वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि जितना बच्चे को आप नेचुरल चीज़ों में रखो, कॉटन वॉटन इन सब में। तो और हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ये होता है कि आप यूज्ड चीज़ें ही, मतलब आप नया नहीं खरीद सकते, तो वो भी हमने फॉलो किया भाई, जो बड़ों ने बोला वो हमने फॉलो किया। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे आप पढ़े लिखे हो, ये क्यों माना है, वो क्यों माना, बट हमने तो माना है ना, बोल दिया सबने, सभी बोल रहे हैं, एक इंसान नहीं उसको वो कर रहा है, तो सुन लो यार क्या जाता है। तो हम लोगों ने सारा जो भी है यूज चीज़ें यूज करी, और जो घर में चादरें थी, मतलब मम्मियों ने कम से कम कितने नैपी बनाए थे, 50 के ऊपर नैपी होंगे, और एक दिन में वो 50 पूरे यूज हो रहे थे। हाँ। नीचे कपड़े ऊपर कपड़े हर जगह, एक ओवरऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मजा आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ मतलब फुल पेस से जा रही होती है और ऐसा स्टॉप लगता है ना उस पे कि आपको बदलना पड़ेगा अपनी लाइफ को अब, लेकिन इट्स गुड, बदलाव जो है ये बहुत अच्छा है, हमारे को तो बहुत खुशी होती है। बच्चों का बचपना एंजॉय करना आपका एज अ पेरेंट वो आपका फर्ज है, क्योंकि ये जो मोमेंट्स ये दोबारा आने नहीं वाले हैं कभी भी। ऑब्वियसली दिस बेबी इज माई प्रायोरिटी, आवर प्रायोरिटी, एवरी वंस प्रायोरिटी राइट नाउ। जो हमारा होम कमिंग चीज था, मतलब जब हम घर आए थे, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती, भी कहीं वीडियो नेक्स्ट उसमें डालूंगी। मेरी पूरी डिलीवरी में वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था, लोगों से इसको मिलवाते हैं, ये है हमारा प्यारा सा लड्डू चो रही है अभी ये, एंड ऑब्वियसली आपको इसका हेड बैंड देख के समझ में आ गया होगा, शी इज अ गर्ल। तो सारे लोगों ने जब मेरे को देख करके बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा, 99% लोगों ने, मतलब सिर्फ 1% लोगों में बताती हूँ नाम कौन कौन था गर्ल के लिए, विक्की, और हम दोनों तो देखो न्यूट्रल थे, जो भी होगा बेस्टी होगा। टीनू एक थी जिसने बोला था गर्ल होगा, और मेरी फ्रेंड में से एक दीक्षा है, बस इसके अलावा जिसके भी गैसिंग थी ना वो सब बॉय ही थी, मतलब मम्मी मासी मेरी मदर एंड सबको, क्योंकि एक होता है ना पुराने लोगों के हिसाब से आपका बॉडी टाइप देख के वो लोग बता देते हैं, तो मेरा जो बॉडी टाइप हो रहा था वो देख के सबने बोला था, बट एवरीवन वाज हैप्पी। ऐसे मत सोचना कि सबने लड़का गैस किया, तो वो जैसे ही बॉर्न हुई उसके दादू ने बहुत प्यारी सा इन्वेस्टमेंट किया, उसके नानू ने इन्वेस्टमेंट किया, उसका नाम हम लोगों ने रखा है तिशा। तो तिशा का मतलब होता है हैप्पीनेस, ये हमारी हैप्पीनेस है, इसलिए हमने इसका नाम तिशा रखा है। और जो सेकंड नेम हमारा है था चॉइस का, वो था वृत्ति। वृत्ति क्यों था? क्योंकि वी भी आ रहा था, आर भी आ रहा था, और लास्ट में हमको टी जरूर चाहिए था, टी आई, इसलिए हमको वृत्ति भी बहुत पसंद आया, हमको तिशा भी बहुत पसंद आया, बट फाइनली फिर हमने तिशा रखा। तो कद्दू बुलाता हूं उसको, कद्दू लड्डू। हाँ, ये देखो ये हमारा कद्दू है, ये छोटा ये बड़ा। तो आप बताइएगा जरूर कि किसके जैसी दिख रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं विक्की लग रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रुचि, शुरू में सब रुचि बोल रहे थे, अब लेकिन मेरी मासी वगैरह जैसे बोलते हैं कि अब विक्की लग रही है, थोड़ी थोड़ी विक्की लगती है, तो आप बताना कि ये किसके जैसी लग रही है, और हो सकता है हमारी मिक्स भी लग रही हो। मेरे साइड से अगर पूछोगे ना तो मेरे लिए तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है सीधी बात, ठीक है, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं कि रुचि जैसी लग रही है, विक्की जैसी लग रही है, नहीं, हमें तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है हमारा बच्चा, हमारा पर्सनल टाइम भी रहता है रात में खेलने का, हम लोग बढ़िया खेलते हैं दोनों। भैया शी इज सो फॉन्ड ऑफ विक्की बिकॉज रात में अंधेरा रहता है, मतलब हम लोग एक नाइट लैम्प जला के सोते हैं, वो रात में विक्की को देखती ही रहती है, जैसे पता नहीं कितने प्यार में पागल है। विक्की बोलता है जीवन में पहली बार कोई लड़की मुझे इतने प्यार को देखती है, और वो लिटरली उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती, पलक नहीं झपकाती। हाँ, मतलब बहुत अमेज्ड उससे देखती है। पर वो आज का वीडियो यही रखते हैं, इतना सही रखते हैं, बाकी फिर अब मैं ब्लॉग्स में आपको मिलती रहूंगी और बाकी की चीज़ें डालती रहूंगी छोटी मोटी, विक्की भी दिखता रहेगा क्योंकि ये है तो विक्की दिखेगा ही दिखेगा। और दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ना, बच्चे मतलब सो जाते हैं, माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, Honestly speaking, not possible with her. Exactly. तो जब मैं कंसीव करी थी, जर्नल और मैनिफेस्टेशन आप बोलो वो लिखती थी, दूसरी चीज मैं उसमें ये एक्टिविटीज लिखती थी कि माय बेबी, मैंने आपको बताया था ना गर्भ संस्कार वो किया था, तो उसमें आपको लिखना रहता था, तो मैं लिखती थी माय बेबी इज वेरी एक्टिव लिखती थी, माय बेबी इज ये, माय बेबी इज वो, तो जो जो क्वालिटीज लिखी है वो सब उसमें है। अब वो इतनी एक्टिव है कि वो हमको इनएक्टिव
कर देती है। तीन बार तो ऐसा हुआ है कि रात को 2 बजे ये इनका एक्टिवेशन हुआ है और हम दोनों तो कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट, मतलब टाइम देगी तो हम डेफिनेटली आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड वी वॉन्ट टू एंटरटेन यू गाइज, ठीक है। लेकिन अगर ये अलाउ करे तो देखो, सब लोग ये भी बोलते हैं कि 3 मंथ्स के बाद बच्चे का रूटीन सेट होता है, तो अभी तो जस्ट ये 1.5 महीने की हुई है, तो होपफुली 3 मंथ्स के बाद उसका रूटीन सेट होगा, तब फिर शायद चीजें और सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगी, बिकॉज उसको भी समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रही है। तो अब हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, तो सो रही है मैं ना कल विक्की गोरी, तो मैंने कहा शिट यार मैं ये वाली क्वालिटी तो लिखना ही भूल गई कि इसको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। मैंने सारे ना ऐसी एक्टिविटी लिखी रखी है कि एक्टिव स्ट्रॉन्ग ये वो, जो डायरी में उसने एक एक वर्ड लिखा है ना, वो एक एक वर्ड उठा उठा के मारती है ये हमको। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, ये लो एक किक मेरी तरफ से, तुमने बोला एक्टिव, लेके घूमो मेरे को ऊपर नीचे। तो यस, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। यस, चलिए, और योर सजेशंस ऑन हर नेम। अब हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।